आज जो नेचुरल हैजार्ड्स में पहला जो हैजार्ड है, डिजास्टर है, दैट इज़ फ्लड। एंड पहले हम नेचुरल हैजार्ड्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक। तो तकरीबन 1,000 को ऑन एन एवरेज एक लेक्चर में हम ख़त्म कर पाएंगे, बिकॉज जो इसमें जो एक तो है काजेस, व्हाट आर द काजेस ऑफ फ्लड, फिर इसकी क्या रिमीडिएशन है, एंड व्हाट आर द मेजर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जो हमें एज पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो मेजर्स है, प्रिवेंशन मिटिगेशन, उसमें क्या क्या करना है। तो पहला ही मतलब फ्लड जो है ये कैसे होता है, व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्लड। फ्लड इज़ यूजुअली काज्ड बाय रेन, हेवी थंडर स्टॉर्म एंड थाइंग ऑफ स्नो। या तो ये हेवी रेनफॉल से होता है, या थंडर स्टॉर्म से होता है, क्लाउड बर्स से भी होता है, जो थाइंग मीन्स जो स्नो है उसके पिघलने से भी होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लेशियर्स या जो माउंटेन पीक्स पे जो स्नो होता है, एक्यूमुलेट होता है विंटर्स में, तो वो मेल्ट होता है एकदम से, विद इन फ्यू डेज, तो एकदम से वो पूरा पानी नीचे आ जाता है, उससे भी फ्लड्स आते हैं। तो फ्लड इज कंसिडर्ड टू बी ए टेम्पररी कंडीशन, दो टू और मोर एकर्स ऑफ ड्राई लैंड इधर, मतलब ये जो नॉर्मली जो फ्लड होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स है फ्लड के भी, किस टाइप का फ्लड है। तो यूजुअली जो फ्लड है ये एक टेम्पररी सिचुएशन होती है, जिसमें कुछ लैंड, पोर्शन ऑफ लैंड जो बेसिकली एडजेसेंट टू द रिवर होते हैं, वो उसमें पानी जमा होता है, ओवरफ्लोड विद इनलैंड और टाइडल वाटर्स, जो भी इनलैंड होते हैं बेसिकली हमारे जो रिवर्स के आसपास जो लैंड है, नॉट ओशंस, विद इन द लैंड, जो उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है, या टाइडल जो वाटर है कोस्टल एरियाज में, वो आता है इन द कोस्टल एरियाज, मतलब अंदर तक आ जाता है वो पानी, उससे भी फ्लड्स आते हैं। तो या रैपिड और रन ऑफ ऑफ सरफेस वाटर्स, जो भी एकदम से रन ऑफ हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल बारिश हो गई, पूरी मूसलाधार बारिश हो गई, दो दो चार दिन कंटिन्यूअसली हो गई, तो एकदम से वो पानी एक्यूमुलेट होता है, रन ऑफ होता है उसका, तो उससे भी फ्लड्स आते हैं। और तीसरा है इसका मड फ्लोज। मड फ्लोज बेसिकली जो बेसिकली जो करेवाज होते हैं ना, जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं, तो वहाँ पे जब बारिश होती है तो एकदम से पूरा ऊपर से कीचड़ वगैरह मिला के उस पानी में नीचे आ जाता है, उसको मड फ्लो बोलते हैं। और ये बहुत सडन होता है, मानो कि एक नदी पूरी खुश्क है, तो ऊपर कहीं बारिश हो गई, हायर प्लेन्स में, हायर माउंटेन्स में बारिश हो गई, तो एकदम से पूरा कीचड़ लेके, उसमें पूरा कचरा वचरा लेके पूरा नीचे आ जाता है, उसको मड फ्लो बोलते हैं। तो फ्लड कैसे स्टार्ट होते हैं और कैसे एंड होते हैं? द शोर और लैंड बाई और सराउंडेड बॉडी ऑफ वाटर इरोड्स, एंड इट्स इरोजन कॉज वेव्स कर दैट रिजल्ट्स इन फ्लड। बेसिकली जो भी वाटर बॉडी है उसकी सराउंडिंग में जो एरियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दरिया है, उसके राइपेरियन एरियाज, राइपेरियन एरियाज मीन्स उस पे जो डिपेंडेंट होते हैं बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर, फॉर जो डोमेस्टिक पर्पज है, इंडस्ट्रियल पर्पज, उनके जो एरियाज है वो इरोड होते हैं बिकॉज ऑफ द करंट्स, जो हेवी करंट्स आती है, बारिश जब होती है तो पानी पानी जब बहता है उसको करंट्स बोलते हैं, उसकी वजह से पूरा इरोड होता है, तो उसकी वजह से जो फ्लो इंक्रीज हो जाता है और एडजेसेंट एरियाज में पानी भर जाता है, उसको उससे फ्लड्स ऑकर हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फ्लड प्लेन्स में किस टाइप के घर है, अगर सेटलमेंट्स है, मीन्स कि एक्सपेंशन हो गया फ्लड प्लेन्स में, तो वहाँ पे फ्लड्स अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो डिज़ास्टर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने 2014 में भी देखा, जो फ्लड प्लेन एरिया, वैसे बेसिकली श्रीनगर, इसे राजबाग वगैरह साइड, इट्स फ्लड प्लेन एरिया, पूरा एडजेसेंट जो फ्लड चैनल है उसके एडजेसेंट ही है पूरा एरिया, राजबाग वगैरह जो उस साइड बागात वगैरह है, तो जो ही वहाँ पे जो एक्सपेंशन हुआ है पिछले 10-20 साल में, तो वहाँ पे उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, जमीन बेचना करके, बेसिकली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, वरना इतना पॉसिबल नहीं है।
जो 2015 में 14 में फ्लड्स आ गए, तो पूरा जो ये सेटलमेंट है, किसी के घर गिर गए, क्योंकि वो पूरा फ्लड प्लेन एरियाज है जहाँ पे फ्लड आया। तो फ्लड स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। अगर कोई फास्ट फ्लड है तो वो उतना दिन नहीं रहता है, 2 4 दिन रहता है और निकल जाता है। और जो स्लो होता है, बेसिकली जो अगर हम कश्मीर वैली की बात करें या पर्टिकुलरली श्रीनगर सिटी की बात करें, ये इसका जो जोग्राफिकल जो एरिया जो शेप है, एक सॉसर टाइप है, जो कप एंड सॉसर जो प्लेट होता है जिसमें हम कप रखते हैं उसको सॉसर बोलते हैं। तो इसके जो एडजेसेंट एरियाज है ये हायर प्लेन्स है, एलिवेशन है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सिटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी पानी भर जाता है तो वो बहुत दिन तक रहता है, ठहरता है। वी नीड ड्रेनेज सिस्टम्स टू पंप आउट द वाटर, जो भी हमारा जो दरिया वगैरह है उसमें पानी लगाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ के एंड में वहाँ पे पंप्स लगे होते हैं जो पंप करते हैं वाटर को फ्रॉम ड्रेन्स टू द रिवर्स। तो वो डायरेक्टली नहीं जाता है रिवर्स में, तो उससे क्या फ़ायदा है कि आप दरिया का पानी भी नहीं आता है ड्रेन्स वगैरह में। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ दैट। तो कोस्टल एरियाज में बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स लो टाइड्स जो हाइट चेंज होती रहती है, तो मींस जब फ्लड्स आते हैं ना, तो जब फ्लड नीचे उतरता है जो एंड होता है फ्लड, तो उसके बाद जो एलिवेशंस होती है कोई जगह इस फ्लड्स की वजह से ज़्यादा सेडिमेंट्स वो डिप्लीवेज होती है। तो मुझे नहीं पता कि 2014 फ्लड्स में क्या एलिवेशन चेंज होगी, बिकॉज यहाँ उस टाइम उतना सेडिमेंट नहीं आया शायद, बट जो पहले आया 1959 में फ्लड्स आए उसकी वजह से मेजर जो एलिवेशन चेंज आ गए। जो दरिया सिंध है जो गांधरबल में बहता है और दरिया जहर में दोनों मिल गए थे बिकॉज ऑफ फ्लड्स। पूरा सेडिमेंट लोड जो है पूरा श्रीनगर सिटी में आया था और जो एडजेसेंट गांधरबल वगैरह सिटी में ये जो एरियाज में, तो उसकी वजह से कुछ एरियाज हायर एलिवेशन पे चले गए जहाँ पे डिपोशन हो गया, कोई नीचे चला गया। तो फ्लड्स का एक वो भी है कि आफ्टर फ्लड्स ऐसे हाइट्स वगैरह चेंज होती है जहाँ पे वो फ्लड्स आता है। तो फ्लड्स क्यों आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फ्लड्स? इसमें पहली अगर अगर हम शहरों की बात करें, बेसिकली फ्लड्स जब आते हैं उसको जो हमारा जो रोड्स वगैरह होते हैं उसमें पानी बहता है ऐसे दरिया की तरह, तो वो रीज़न होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है आइदर इट्स ब्लॉक्ड एंड इट्स और इट्स नॉट फंक्शनिंग। तो उसकी वजह से पूरा एक्यूमुलेट होता है पानी सड़कों पर, वो अक्सर देखने में मिलता है दिल्ली जो हायर बड़ी बड़ी सिटीज़ है, श्रीनगर में भी देखने को मिलता है। अगर अचानक से बारिश हो गई और ड्रेन्स वगैरह चोक हो गई तो उसके बाद पूरा पानी भर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो है मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। जो स्टॉर्म वाटर होता है ना, बारिश का पानी बेसिकली, अगर आपने देखा होगा डिफरेंट मूवीज़ में, अगर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा उनके जो रास्ते हैं उनके साइड में वॉल्स में छोटे छोटे से जाली जैसे वो मेन होल्स रहते हैं वर्टिकल। तो जब भी पानी बारिश का पानी आता है तो वो पानी उसी में चला जाता है मेन होल्स में, तो वो फिर ड्रेन्स से कहीं और निकल जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा वो छेद बनाते हैं मेन होल में, तो उसमें ऐसे कितना पानी निकलेगा, फिर वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू वेरियस जो वहाँ पे कंकड़ वगैरह होते हैं पत्थर वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से सैलाब आ जाता है सड़कों वड़कों पे। तो जब फिर ड्रेन वगैरह भी चोक हो गई तो घर के आंगन में उसमें भी पानी आ जाता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा ये है कि जो ऊपर से ही पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो जैसे हमारा जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी आता है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो गए या स्नो बहुत फास्ट मेल्ट हो गया या वहाँ पे बहुत फास्ट जो है थंडर स्टॉर्म्स रेनफॉल हो गया, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे कोपिंग कैपेसिटी है हमारे जो नदी नालों की उसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कैरी कर सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर उससे ज़्यादा वहाँ पे पानी आ गया, मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर्स या क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड कितना पानी वो एक सेकंड में वो
वहाँ से बह सकता है, तो अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा फिर देन ओबियसली वहाँ पे जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा पानी। फॉर एग्जाम्पल कटोरी में हम पानी कितना आ जाएगा या गिलास में पानी कितना आ जाएगा, अगर उसमें हम पानी डालते रहे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे जो नदी नाले हैं, दरिया है, उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। तो उसके बाद इसके क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जहाँ पे फ्लड्स आते हैं, तो हमारे जितने भी प्लांट्स वगैरह उसमें ग्रो करते हैं, तो वो जो ज़मीन होती है उसमें जो मास होता है, रूट्स वगैरह होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, बिकॉज इट क्रिएट्स एन एनारोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होती है, तो प्लांट्स मर जाते हैं अगर ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे विल्लो है, वीर छास, वो अगर आप देखेंगे अगर उसके एडजेसेंट पानी भी होगा वो ग्रो करेगा, बिकॉज इट हैज़ सम फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन जहाँ से वो ऑक्सीजन अल्टरनेट जरिए से वो लेता है। तो कुछ ग्रासेस होते हैं टाइफा वगैरह, जैसे वो नंबलियम श्वासन सुगास, उनके जो हॉलो स्टेम्स होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं इन द वाटर, बट मोर और लेस बाय एंड लार्ज जितने भी प्लांट्स हैं जो नॉर्मली ग्रो करते हैं ऑन द लैंड, ऑन ड्राई लैंड, तो वो उससे ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं एंड दे डाई। तो उसके अलावा जो सॉइल का पीएच होता है तो वो भी डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिशन है सॉइल में, फ्लड के सॉइल में आता है, तो वो भी डिक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फ्लड टेंड्स टू बी ओनली बाय हाफ। देखो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉयल में, यूजुअली सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर होता है तकरीबन 5%, डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा ड्राई इलाका है और उसमें टेम्परेचर हाई है तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर 5-1% भी हो सकता है और 0.5% भी हो सकता है। अगर कोई लोकेशन जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, कंडीशंस आर मॉइस्ट, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज देखो ड्राई कंडीशन में और हाई टेम्परेचर कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो प्लांट्स के मासेस है, एनिमल के मासेस है, जो डेड लीव्स फॉर एग्जांपल, उनका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है इन ड्राई एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, देन पंजाब हरियाणा इन जगह बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहाँ पे की सॉयल में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम रहता है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ की सॉयल्स थोड़ी ब्लैक कलर की है, दैट मीन्स दे हैव हायर ऑर्गेनिक कंटेंट, तकरीबन 5%। 5% इज़ एक होता है ऑर्गेनिक कंटेंट, होता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो वो ऑर्गेनिक कार्बन जनरेट करता है एज अ जितने भी उसके सबस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं। तो जब फ्लड्स आते हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिशन है कम हो जाता है, बिकॉज पीएच लेवल जो होती है वो कम हो जाती है। पीएच लेवल कम होने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस जो उसको डिकम्पोज करते हैं, वो लोअर पीएच पे ज़्यादा, उनका जो पीएच फेवरेबल है अराउंड 7 पीएच है, तो 7 से कम हो जाएगा तकरीबन 5-3, अगर डिक्रीज हो जाएगा पीएच तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, एंड ऑल्सो द डिकम्पोजन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विल स्टार्ट स्टॉप। तो उसकी वजह से क्या हमें को मिलेगा कि इजीली जो जो रेजिड्यूज है, प्लांट रेजिड्यू, एनिमल रेजिड्यू, वो डिकम्पोज नहीं हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, बीमारियां ज़्यादा फैल जाएंगी। तो उसके अलावा जो ट्रीज की जो विगर है, उनकी जो ग्रोथ रूट्स, वो इफेक्ट हो जाती है। देखो यही मैंने कहा जो पहला पॉइंट है, ये दो पॉइंट इससे रिलेट करते हैं, एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दूसरा माइक्रोब्स जो है वो, सम माइक्रोब्स आर वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फंजे, आपने माइक्रोराइजा का नाम सुना होगा, दैट इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सम टेरिडोफाइट्स। तो अगर वो नहीं रहेगा तो ओबियसली दैट विल अफेक्ट द जो भी न्यूट्रंट्स अवेलेबल होते हैं सॉइल में, वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे। पीएच जब डिक्रीज होगा तो फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं रहता है। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस अवेलेबल एट 7 पीएच, तो पीएच डिक्रीज हो गया तो फॉस्फोरस नहीं होगा, पीएच डिक्रीज हो गया तो नाइट्रोजन की जो है डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगी, तो हवा में नाइट्रस ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो
और भी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फ्लड्स है स्पेशली हार्मफुल फॉर वुडी प्लांट्स। मैंने कहा वुडी प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि दे हैव नो अल्टरनेटिव, जो उनका जो मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीजन फॉर रूट्स पर्टिकुलरली उनके लिए नहीं होता है। तो उसके अलावा फ्लड्स कैरी केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, सेवेज एंड अदर हैंडल लार्ज कैन नॉट हैंडल लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। जो भी फ्लड्स है वो डिफरेंट एरिया से पानी लाता है, कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड लगा दिया, फर्टिलाइजर्स लगा दिए, तो वहाँ से पानी आ जाता है और कहीं पे रुक जाता है, और सीवेज भी कहीं पे ड्रेन ब्लॉक हो गई तो वो सीवेज पानी भी फैल जाता है। तो बहुत ऐसी जगह हुआ है कि कहीं पे वाटर पाइप जो है फ्रेश वाटर पाइप भी जा रही है और सीवेज पाइप भी जा रही है तो लीकेज होती है, तो वो सीवेज का पानी उसमें मिक्स हो जाता है तो बीमारियां फैलती है। तो क्रॉप्स डाई, अगर ज़्यादा टाइम वाटर लॉगिंग रहेगी तो क्रॉप्स डाई हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा कुछ एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो इस फ्लड के रिलेटेड। तो फ्लड्स जो डेथ्स जो होती है फ्लड्स के रिलेटेड, सबसे ज़्यादा जो फ्लड्स ही डेथ करता है वर्ल्ड में, जो भी फ्लड्स जो भी डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ डिजास्टर, एंड फ्लड इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो लोग स्पेशली लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, एडजेसेंट टू द रिवर्स रहते हैं, जैसे मछली वगैरह जो पकड़ते हैं, हांजी वगैरह जो होते हैं, दैट आर मोर वल्नरेबल टू द फ्लड्स, बिकॉज वो वहीं पे रहते हैं एंड जब फ्लड्स आते हैं तो उनके घर वगैरह है वो दबा हो जाते हैं या कोई मर जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, अगर एक फास्ट मूविंग 6 इंच हाइट में अगर पानी बहुत फास्ट मूव करता है, वो गाड़ियाँ भी उठा के ले जा सकता है, आदमी उठा के ले जा सकता है, एंड दे कैनॉट कंट्रोल। वो पानी इतना फास्ट होता है, जैसे शोपिया में हुआ था शायद 2-3 महीने पहले, वहाँ पे ऐसे मड फ्लो जैसा आया था स्ट्रीम में, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वो बच्चा उसमें पानी में बह गया, वो अचानक से हो गया, और उसका जो हाइट है पानी का उतना डेप्थ नहीं थी पानी की। तो इससे ये सबसे प्रॉब्लम्स यही है, जो इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम्स आती है, जो डेथ्स होती है फ्लड्स की, वो इन्हीं वजह से होती है। और उसके बाद फ्लड्स से भी डेथ्स होती है बिकॉज ऑफ वेरियस डिजीज, जो अब पानी ठहरता है वो टाइम किसी लोकेशन पे वो धीरे धीरे निकलता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो पानी की किल्लत हो जाती है, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं रहता है, तो उससे लोग कंज्यूम करते हैं वही डर्टी वाटर, तो उससे जो है कॉलरा अदर डिजीज जो होते हैं बेसिकली डायरिया वगैरह हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उससे लोग मर जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर डेथ्स। और जो ये वाला है तो इससे भी होता है बट उतना नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पानी कितना फास्ट, आपने तो देखा होगा 2014 में बहुत सारों ने कितना ये पूरा सिटी के बीच में पानी कितना फास्ट जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई गाड़ी खड़ी भी होगी तो वो भी पानी के साथ चली जाएगी दरिया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गाड़ी पूरा ये टेढ़ी हो गई है, यहाँ पे कोई गाड़ी है। तो ये फ्लड्स इस टाइप के डिजास्टर्स कर सकते हैं। अब इंडिया में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी जो स्टेट्स है दैट आर मोर वल्नरेबल जो फ्लड हैजार्ड मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब, बिकॉज यहाँ पे 3-4 रिवर्स फ्लो करते हैं, सतलुज, बियास, रावी यहाँ पे फ्लो करते हैं रिवर्स। तो ये पूरा प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे भी फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे हरियाणा में। और ये जो गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज है यहाँ से उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो इसके एडजेसेंट जो एरियाज है ये वाला पूरा यहाँ पे मार्क किया गया है, तो यहाँ पे फ्लड जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो यहाँ पे फिर ये पूरा जमा होता है बिहार में, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा बिहार में बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, हर साल आते हैं फ्लड्स। ये बिहार का ही नॉर्दर्न एरिया है, और यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल से भी पानी आता है, जो रिवर्स वो अगर उनके डैम्स में पानी ज़्यादा जमा हो गया तो वो भी रिलीज़ करते हैं पानी, तो वो एकदम से नीचे आ जाता है। तो पूरा बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा डिज़ास्टर जो है रिलेटेड फ्लड डिज़ास्टर वल्नरेबल है। उसके अलावा आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बहता है, तो उसके एडजेसेंट जो गंगा से भी बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसमें बहुत पानी है, वॉल्यूम वाटर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। तो यहाँ से पानी बेसिकली जो चाइना ने बहुत सारे डैम्स जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो ये जो ओरिजिन है तिब्बत से आता है यहाँ से, फिर यहाँ से होके यहाँ से नीचे चला जाता है, तो उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं। डैम्स और दे आर मल्टीपर्पज़, हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरीगेशन और भी नेविगेशन वगैरह फिशिंग के लिए यूज़ होता है। बट रिसेंटली जो डैम्स को यूज़ किया जाता है एक हथियार के तौर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेपाल ने भी हथियार, अगर पानी एकदम से छोड़ दिया तो यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन सफ़र करेगी। तो यहाँ पे भी चाइना ने तकरीबन 3,000 डैम्स बनाए हैं यहाँ पे। एंड देर वॉज एन आर्टिकल, मैंने भी एक आर्टिकल उस पर लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत साल पहले, 2000 आई गेस 2016-17 में। तो उस टाइम वो कुछ डैम्स बना रहे थे ब्रह्मपुत्रा पे यहाँ पे, बट जो ब्रह्मपुत्रा उस रिवर का नाम इंडिया में है उसका कुछ और नाम है चाइना में। तो वो एकदम से वो अगर पानी रिलीज करेंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट डूब जाएगा उस पानी में, और अलॉन्ग विद द बांग्लादेश, जो बांग्लादेश जो है यहाँ पे ये बहुत ही फ्लड प्रोन है एंड साइक्लोन प्रोन। उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल जो पानी आ जाता है गंगा का पानी, वो भी वेस्ट बंगाल जाता है। अल्टीमेटली जब यहाँ पे फ्लड्स आएंगे तो यहाँ पहुँच ही जाएंगे, और यहाँ पे भी जो एरियाज़ है कुछ ईस्टर्न एरियाज़ दैट आर मोर वल्नरेबल टू द फ्लड्स। उसके अलावा यहाँ पे गुजरात में है, महाराष्ट्र का कुछ अपर पोर्शन है, ये भी गुजरात के साथ ही आता है गैस। तो फिर यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तो उड़ीसा, ये तो थोड़ा सा इस रिलेटेड नहीं है, बट उड़ीसा जो है बहुत वल्नरेबल टू द साइक्लोन, इसको अफ्रीका ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्लड्स आते हैं बट साइक्लोन्स आर मोर रिकरिंग, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो ये था आपकी अंडरस्टैंडिंग कि फ्लड्स के रिलेटेड कहाँ कहाँ कौन सा एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। कश्मीर में भी आता है बट उतना नहीं है, उतना फ्रिक्वेंट फ्लड्स नहीं आते हैं। तो 1959 में एक फ्लड आया था, फिर 2014 में, तो इस बीच में बहुत टाइम गैप है। बट यहाँ पे बहुत डिज़ास्टर होता है फ्लड्स में। तो मॉनसून अगर या ये मुंबई में भी आता है मुंबई में, बट डिज़ास्टर जो फ्लड रिलेटेड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज प्रॉब्लम। वहाँ पे रेन्स बहुत होती है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, जो वहाँ पे कंक्रीट वगैरह है सड़कों वगैरह पे पानी बहुत बहता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कहाँ कहाँ किस एरिया में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विच एरियाज़ आर मोर वल्नरेबल टू द फ्लड्स। तो ये मैप्स के बाद जब हम इस पे जाएंगे, फ्लड प्रोन एरिया जो है 40 मिलियन हेक्टेयर्स जो है, ये मिलियन हेक्टेयर्स में एरिया है। तो जो टोटल इंडिया का एरिया है 328.5 तकरीबन के 0.7 है। तो इसमें से 40% जो 40 मिलियन हेक्टेयर्स है, तकरीबन 12% इज़ फ्लड प्रोन। तो इसमें से 40 में से 32 जो है मिलियन हेक्टेयर्स, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद सम मेजर्स, जैसे हम बांड्स वगैरह बनाएंगे या कुछ ऐसे मेजर्स मतलब कैचमेंट एरिया में करेंगे, तो उससे वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये पोटेंशियल है प्रोटेक्टिव, बट इतना नहीं होता है। ओनली 16.4 जो मिलियन हेक्टेयर्स है, अराउंड 45% ऑफ दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड्स। तो एवरेज फ्लड अफेक्टेड एवरेज 7.7, जो मतलब अब ये तो पूरा एक साल में तो पूरे एरिया में तो नहीं होगा, तो 7.7 मिलियन हेक्टेयर्स में तकरीबन ऑन एन एवरेज एक साल में फ्लड्स आते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम 17.5 आ सकते हैं, और मिनिमम 1.5, अगर ज़्यादा खुश्क साली रहेगी तो 1.5, अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी पूरा पोटेंशियल में बारिश हो जाएगी तो 17.5 जो मिलियन हेक्टेयर इसमें एरिया इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें 1978 में ये हुआ था, और मिनिमम जो 1965 में, ईयर 65 में ये 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स इन्वॉल्व हुए थे फ्लड्स में। तो
तो उसके अलावा फ्लड प्रोन एरिया किस, जो आप 40 मिलियन हेक्टेयर हमने बताया, आप किस किस स्टेट में ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है? तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे यूपी में बताया गया है 21%, फिर बिहार में 12.7%, आसाम 9.4%, वेस्ट बंगाल 7.9% एंड ओडिशा 4.1%, जो अभी मैप में मैंने डिस्कस किया था आपसे, तो उसमें ये एरिया ज़्यादा है। फिर अदर स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा या गुजरात वगैरह, अदर स्टेट्स 43.9% उसमें ये 40 ऑफ दिस 40 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड फ्लड प्रोन एरिया। तो अगर हम 2020 तक हम देखेंगे कितना फ्लड से हमें डैमेज हुआ है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं अंदाज़ा 1985 से लेके आज तक 2020 तक, यहाँ तो 2000 ही मेंशन किया है और 20 ईयर्स का डेटा मिसिंग है अभी, उसमें अवेलेबल नहीं था। तो 1985 से लेके ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमारा जो डैमेज है, हमारा जो लॉस है वो है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। इसका ये रीज़न हो सकता है जो तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, एकदम से इंक्रीज हो गई, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लड प्लेन्स में हो गई या ऐसे एरियाज में हो गए जो मोर वल्नरेबल टू द फ्लड्स है, तो ओबियसली जो डैमेज है वो तो इंक्रीज हो गई, तो रुपीज़ इन करोड़्स है, तो डैमेज ओबियसली इंक्रीज ही होगा, क्योंकि जब हमने मकान घर बनाए, एग्रीकल्चर वगैरह किए इन फ्लड प्लेन्स, देन देर विल बी मोर लॉस एंड द फ्लड विल ऑकर। तो यहाँ पे भी हो सकता है इसी इंटेंसिटी के फ्लड्स आते होंगे उस जमाने, बट पॉपुलेशन वॉज वेरी लेस, देर वॉज नो ह्यूमन सेटलमेंट और नेग्लेजिबल ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द फ्लड प्लेन्स। तो अब मेन टॉपिक जो है, हम डिजास्टर जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट साइकिल हम कैसे करेंगे, तो जब हमने पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, उसमें मिटिगेशन, प्रिवेंशन, फिर जब डिजास्टर आएगा फिर रेस्पॉन्स एंड रिकवरी, तो हमने इसको जो डिजास्टर जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट साइकिल है डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले ही अगर मिटिगेशन में जाएंगे यहाँ पे, तो प्रिकॉशनरी लैंड यूज़, लैंड यूज़ को प्रिकॉशनरी क्या मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि लैंड जो है इज़ इट वल्नरेबल टू द डिज़ास्टर और नॉट। अगर कोई डिज़ास्टर जैसे फ्लड है, फॉर एग्जांपल हम फ्लड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहीं पे उसी टाइप का हम लैंड यूज़ करेंगे उसमें। अगर एग्रीकल्चर करना है तो ठीक है, अगर फ्लड प्लेन्स में करेंगे तो वी हैव टू यूज़ दैट काइंड ऑफ क्रॉप्स, तो प्रिकॉशनरी लैंड यूज़ हमें करना है। फिर नेचुरल वाटर रिटेंशन हमें देखना है कि वाटर रिटेंशन अगर किसी एरिया में हो रहा है तो कितने देर हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमको घर बनाए, उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेने हैं। फिर टेक्निकल फ्लड प्रोटेक्शन, टेक्निकल फ्लड प्रोटेक्शन अगर हमने लो लाइन एरियाज़ में हमने अगर बनाए हैं घर, तो उसको हमें टेक्निकली फ्लड से कैसे सेव करना है, हमको बंट्स वगैरह बनाने हैं या वॉल्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आएगा भी तो वो उस एरिया में नहीं आएगा, या उस एरिया की एलिवेशन चेंज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब मिटिगेशन में आ जाएगा। फिर जो प्रिपेयर्डनेस में हम क्या करेंगे, हम घर वैसे ही बनाएंगे, अगर हमारे घर फ्लड प्लेन्स में है तो हम जो ग्राउंड फ्लोर है वो वैकेंट रखेंगे, हम कॉलम्स पे स्ट्रक्चर बनाएंगे और पूरा नीचे से वैकेंट रखेंगे, खाली रखेंगे, अगर फ्लड आएगा भी तो कोई डैमेज नहीं होगा, दैट इज़ प्रिकॉशनरी बिल्डिंग, एक एग्जाम्पल है। और उसके अलावा डिफरेंट मटेरियल्स जो रेजिस्टेंट करते हैं, अगर फ्लड जो आएगा तेज बहाव के साथ, अगर लकड़ी का मकान होगा, डोकाज, हट डोकाज, तो अगर पानी बहुत आएगा वो उसको बहा के ले जाएगा, वो पता नहीं कहाँ मिलेगा, वो बह जाएगा पानी में। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जो भी डिफरेंट रिस्क है जैसे फ्लड के रिलेटेड, कोई बीमार होता है या कोई मर जाता है, और लाइफ जैसे लाइफ सेविंग जैकेट्स होते हैं, जैसे जापान में क्या होता है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स मोर फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वहाँ पे लोग एक ये चटाई पे सोते हैं, उसको ततामी बोलते हैं, तो वो हमेशा अपने साथ कुछ मेडिसन्स वगैरह रखते हैं, फर्स्ट एक किट रखते हैं अपने साथ, उनकी वो तैयारी करके ही सोते हैं, हो सकता है कभी भूकंप आ गए, वो फंस गए तो वो अपना तो ख्याल रख सकते हैं, टिल द रेस्क्यू टीम विल अराइव एट द लोकेशन। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको भी लेने पड़े, लाइफ सेविंग जैकेट्स रखे, बोट्स रखे, अगर हमारे लोकेशन में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं।
फिर इंफॉर्मेशन प्रिकॉशन, फिर इंफॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए कि कहाँ पे कितना हम लेवल्स ऑफ वाटर है, कहाँ कितना पानी पहुँचा, तो वैसे हमें फिर तैयारी वगैरह भी करनी पड़ेगी, प्रिकॉशनरी बिहेवियर्स। तो बिहेवियर वगैरह भी जैसे फ्लड के रिलेटेड, जैसे चोरी वगैरह बहुत होती है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स में 2014 में बहुत चोरियाँ हो गई, तो इवैक्यूएशन में भी लोग बहुत पैसा मांगते थे, तो दैट काइंड ऑफ बिहेवियरल वो चेंज लानी है। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ हैज़ार्ड प्रिवेंशन एंड सिविल प्रोटेक्शन, वही मैंने रिसोर्सेज जो अवेलेबल होने चाहिए, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास ऐसे रिसोर्सेज, बोट्स होने चाहिए पर्टिकुलरली, जैसे फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के पास बोट्स होने चाहिए, लाइफ सेविंग जैकेट्स होने चाहिए, तो फिर अवेयरनेस वगैरह होनी चाहिए। ये सब पूरा प्रिपेयरनेस में आता है। जब फ्लड इवेंट होता है उसके बाद डिफेंस कैसे करेंगे, जैसे फ्लड किसी एरिया में आ गया, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ डाउनटाउन श्रीनगर में, तो हम जो फ्लड एरिया है यहाँ पे, हम जहलीम तकरीबन मानो 500 मीटर के आसपास दूर है मेरे घर से, तो हमारा जो एलिवेशन है हम हायर एलिवेशन पे रहते हैं। जब फ्लड आया था 2014 में तो यहाँ पे उतना पानी नहीं आया था, थोड़ा सा 1-2 फीट आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था। तो उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट था बिकॉज ऑफ द बांध, जो इस साइड हमारे साइड दरिया में उसे बांध बनाया गया था, तो एक नहीं दो बांध बनाए थे, तो एक लोअर लेवल पे है, उसके बाद बड़े लेवल पे है। तो जब फ्लड आ गया, जब पहले बादामी बाग में फ्लड आ गया, तो वहाँ पे पूरा जो है आर्मी वगैरह जो उनका कंटोनमेंट एरिया है पूरा डूब गया, वो डूब आर्मी बोट्स में आती थी कि हम जो बंड है उसमें ब्लास्ट करेंगे, वो बंड टूट जाएगा तो वहाँ पे नीचे आ जाएगा पानी, तो पूरा जो श्रीनगर सिटी है डाउन टाउन एरिया ओल्ड सिटी वो डूब जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, वो रात भर बैठते थे बंड को उसकी निगरानी करने में। तो इस काइंड का डिफेंस, अगर फ्लड आएगा भी तो वी नीड टू प्रोटेक्ट मोर एरियाज, अगर कोई एरिया डूब भी गया तो और भी एरिया डूबने नहीं चाहिए, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ डिफेंस। फिर असिस्टेंस फॉर फ्लड अफेक्टेड एरियाज, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जो लोग रहते हैं, तो उनको किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट बिल्डिंग में उनको सेटलमेंट करना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, लंगर वगैरह का इंतज़ाम, वो सब करना। फिर फ्लड जो है उसका एनालिसिस करना, कितना क्या नुकसान आएगा, कितना क्या नुकसान हुआ, फिर उन्होंने फिर सर्वे वगैरह किया, फिर डिफरेंट रिलीफ पैकेजेस दिए, चेक्स वगैरह दिए, पर हाउस जितना मामूली नुकसान था तो 25,000, किसी का 5 लाख। तो उसके अलावा डिफरेंट एजेंसीज, यहाँ पे तो नहीं है इंडिया में, बट अदर कंट्रीज़ में डिफरेंट एजेंसीज, फॉरेन एजेंसीज आ सकती है, वो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम में हेल्प कर सकती है, या गवर्नमेंट खुद भी इनिशिएटिव्स ले सकता है, या अगर किसी का इंश्योरेंस वगैरह है वो रिकन्स्ट्रक्शन करता है, कर सकता है। तो ये इन रिलेशन टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है जो फ्लड रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। तो आई गेस कि हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।